संगाष्ठी चतुर्थी का मंगलवार को आना ही बड़ा अच्छा संयोग माना जाता है। प्राचीन कथा है कि जब पार्वती जी के अनुरोध पर शिव जी ने गणपति को नया मुख लगवाया तो उनका नाम गजानन रखा गया। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। उसके बाद से ही चतुर्थी व्रत की परंपरा शुरू हुई। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है वो संगाष्ठी चतुर्थी कहलाती है। कुछ महीनों में ऐसे संयोग भी बनते हैं जब कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मंगलवार को होती है। इसी ही अंगार की संगराष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस बार ये चतुर्थी सावन मास में 27 जुलाई 2021 को पड़ रही है। माना जाता है कि चतुर्थी पर भगवान गणेश की आराधना करने और विधि विधान से व्रत करने पर सारे संकट दूर होते हैं। जब यही चतुर्थी मंगलवार को पड़ती है तो इसमें मंगल देव का आशीर्वाद भी जुड़ जाता है। अंगार की संगाष्ठी चतुर्थी की मान्यता यही है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने वालों का मंगल ही मंगल होता है। अंगार की संगाष्ठी चतुर्थी की पूजा विधि। हर व्रत त्योहार की तरह इस पूजा के लिए भी सुबह सबसे पहले स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहन लें। याद रखें, पूजा करते समय आपका मुख उत्तर की तरफ हो तो उत्तम या पूर्व की तरफ भी रख सकते हैं। साफ आसन पर बैठकर पूजा अर्चना शुरू करें। गणपति जी की दुर्वा अति प्रिय है, इसलिए पूजा करते समय उन्हें दुर्वा जरूर चढ़ाएं। इसके बाद ओम गणेशाय नमः या ओम गणपते नमः इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप करें और शाम को व्रत कथा पढ़ने के बाद ही व्रत खोलें। गणपति पूजन में इस चतुर्थी का खास महत्व है। वैसे तो ऐसे चतुर्थी का मंगलवार को आना ही बड़ा अच्छा संयोग माना जाता है। इस संबंध में अलग अलग कथाएं भी प्रचलित है। संतान की लंबी आयु के लिए इस दिन व्रत किया जाता है। मान्यता है कि मंगल देव ने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उन्हें दर्शन दिए और ये वरदान दिया कि जो भी मंगलवार के दिन पड़ने वाली चतुर्थी पर उनका पूजन अर्चन करेगा, भगवान गणेश उसकी सारी बाधाएं दूर करेंगे और उसकी सारी मनोकामना भी पूरी करेंगे।